Hello students and welcome back to the channel once again. In today's video, we are going to discuss about 20 very important questions for your AIIMS examination. These all questions are based on NCERT, so don't worry. आप लोग अपनी NCERT को ही solve कर रहे हो यहाँ पर और बहुत ही important questions हैं. One more thing, हम लोग अब Unacademy पे भी आ चुके हैं, तो जिन students को अपनी आगे की पढ़ाई करनी है biology को लेकर या फिर उनको 11th and 12th का पढ़ना है वो भी NCERT बेस्ड नोट्स से, तो वो लोग हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मैंने डाल दिया है, आप जाकर मुझे फॉलो करें. आपको डेली कुछ अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे आपकी बायोलॉजी NCERT के ऊपर. चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हम. इसका ये मतलब नहीं है कि YouTube पे नहीं आएंगी वीडियोस, YouTube पे भी आएंगी, लेकिन वहाँ पर हम नोट्स से पढ़ाएंगे. ओके, चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं 141st क्वेश्चन से, विच इज विच एंजाइम्स विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम प्लांट सेल. ठीक है, इनमें से कौन सा एंजाइम चाहिए होता है प्लांट सेल में प्रोटोप्लास्ट को बनाने के लिए. ऑप्शन नंबर ए सेल्युलेस पेक्टिनेस, बी सेल्युलेस प्रोटीएस, सी काइटिनेस पेक्टिनेस, या फिर डी सेल्युलेस लाइपेस. सो द करेक्ट ऑप्शन है दिस ऑप्शन नंबर ए सेल्युलेस एंड पेक्टिनेस. ठीक है, ये वो एंजाइम है जो कि प्रोटोप्लास्ट को बनाने के लिए प्लांट सेल के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. नाउ प्लांट सेल वॉल के मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं, प्लांट सेल वॉल के जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं सेल्युलोस, हेमी सेल्युलोस एंड पेक्टिन. ध्यान रखिएगा, सेल्युलोस, हेमी सेल्युलोस और पेक्टिन. हेंस ये जो सेल्युलेसिस होता है एंड पेक्टिनेज होता है, दे वुड बी रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द सेल वॉल. इस सेल वॉल को डाइजेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कौन जरूरी है, सेल्युलेस और पेक्टिनेज. सेल्युलेस जो है इट इज़ द एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज 1,4 लिंकेजेस इन सेल्युलोस चेन, और पेक्टिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि पेक्टिन को तोड़ता है, इसलिए इसका नाम है पेक्टिनेज. ठीक है, तो ये पेक्टिन को तोड़ता है अ पॉलीसेक्राइड फाउंड इन द प्लांट सेल वॉल. पेक्टिन क्या है, पेक्टिन इज अ पॉलीसेक्राइड विच इज फाउंड इन द प्लांट सेल वॉल. अब चार पांच चीज़ों के बारे में एक क्वेश्चन से आपको पता चल गया, इससे पता चलता है कि आपको एक क्वेश्चन से कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर, इनमें से कौन सा पेयर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे वो किसके बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं. And the correct option here is option number D, house fly. House fly के अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो होते हैं 2N is equal to 12. Now, अब ये बाकी के गलत कैसे हैं, बाकी के इसलिए गलत हैं because humans के अंदर 2N is equal to 42 नहीं होता है, यहाँ पर होता है 2N is equal to 46. ठीक है, नाउ फ्रूट फ्लाई के अंदर 2N is equal to 10 नहीं होता है, यहाँ पर होता है 2N is equal to 8. एक सेकेंड, इरेज ऑल. 2N is equal to 8. किसके अंदर होता है ये 8, हमारे फ्रूट फ्लाई के अंदर. उसके बाद अनियन के अंदर 2N is equal to 28 नहीं होता है, अनियन के अंदर हमें देखने को मिलता है 32 is equal to 2N. ठीक है, सभी के नंबर ऑफ क्रोमोसोम पता चल गए. चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट हम चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के अंदर जब प्रोटीन बनता है तो उसके लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ऑप्शन नंबर ए इट इन्वॉल्व्स ऑल द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए. बी इट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेसेस. सी इट इन्वॉल्व्स सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेस, या फिर डी इट इन्वॉल्व्स आरएनए प्रोसेसिंग. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, इट इन्वॉल्व सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है, जब भी प्रोटीन बनता है बैक्टीरिया के अंदर तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत होती है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एग्जांपल्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड आर. यहाँ पर एसेंशियल अमीनो एसिड के एग्जाम्पल्स बताइए. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कैसे सही है, आपको मैं एसेंशियल अमीनो एसिड के नाम बता देती हूँ. टोटल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं. पहला है हिस्टिडीन, दूसरा है आइसोल्यूसीन, आई लिख देते हैं. उसके बाद तीसरा है ल्यूसीन, एल लिख देते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है लाइसीन, एल लिखते हैं. उसके बाद मिथियोनिन, उसके बाद आता है फिनाइल एनिन, उसके बाद थ्रियोनिन. ठीक है, उसके बाद ट्रिप्टोफैन एंड लास्ट आता है वेलिन. बिल्कुल क्लियर, नौ के नौ क्लियर हो गए. वापस से नाम बोल देती हूँ, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसीन, ल्यूसीन, लाइसीन, मिथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, थीरोनिन, ट्रिप्टोफैन,
एंड वेलिन. क्लियर? बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग. गलत किस चीज को मैच किया गया है उसको हमें टिक लगाना है. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी. यहाँ पर मेमेलिया के साथ बेटा, रेटस और फेलिस जो इन्होंने इंक्लूड किया है वो बिल्कुल गलत है. बेटा जो है इट इज़ लार्ज जीनस ऑफ स्मॉल ऑफन कलरफुल फ्रेश वाटर रे फिंड फिशेस, जिनको हम बेटस बोलते हैं. तो मेमेलिया के अंदर फिशेस को इन्होंने इंक्लूड कर दिया. ठीक है, उसके बाद ये जनरली मेमेलिया के अंदर नहीं आते, ये आते हैं इन द गौरमी फैमिली. ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रोनिमेडिया. ठीक है भाई, ऐसे ही प्रोनाउंस कर रही हूँ. प्रोनाउंसिंग में कोई दिक्कत हो तो भूल चुक माफ़ करना. ठीक है, प्रोनाउंसिंग में कोई दिक्कत हो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बोलती हूँ. बस सबके अपने अपने फंडे होते हैं याद करने के, मैंने ऐसे याद किया था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू एट द टाइम जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन. ठीक है, जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होने के बाद इसमें से कौन सी कंडीशन बिल्कुल सही है. ऑप्शन नंबर ए हाई एस्ट्रोजन लो प्रोजेस्टेरोन, बी लो एस्ट्रोजन लो प्रोजेस्टेरोन, सी हाई एस्ट्रोजन हाई प्रोजेस्टेरोन, या फिर डी लो एस्ट्रोजन हाई प्रोजेस्टेरोन. तो जस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट ओव्यूलेशन के बाद कौन सी कंडीशन होती है. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए. जैसे ही ओव्यूलेशन होता है उसके बाद जो आपका एस्ट्रोजन है उसका लेवल हाई हो जाता है ब्लड के अंदर, और प्रोजेस्टेरोन जो है उसका लेवल यहाँ पर कम हो जाता है. जबकि विद इन 3 to 5 days विद द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इंक्रीजेज इन द ब्लड. ठीक है, तो 3 to 5 days के अंदर अंदर जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बनता जाता है कंसेंट्रेशन प्रोजेस्टेरोन की ब्लड के अंदर इंक्रीज होती जाती है. लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि एग्जैक्ट आफ्टर द ओव्यूलेशन क्या कंडीशन होती है, तो उस टाइम पर एस्ट्रोजन हाई होता है और प्रोजेस्टेरोन लो होता है. ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्ड एवोल्यूशन इन मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म. इनमें से किसने, साइंटिस्ट के कुछ ग्रुप्स बना दिए गए हैं, इनमें से किसने एकदम सही मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म बताई थी एवोल्यूशन की. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, बताइए करेक्ट ए क्वेश्चन, सॉरी ए वाला ऑप्शन, लेमार्क, डार्विन, ह्यूगो डी ब्राइस. हाउ? डार्विन ने अपनी थ्योरी बताई थी, डार्विन की थ्योरी थी द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. लेमार्क की जो थ्योरी थी उन्होंने कहा था दैट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड ऑक्यर्ड बट ड्राइवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. नाउ ह्यूगो डी ब्राइस ने क्या कहा था, ही ब्रॉट फोर्थ द आइडिया ऑफ म्यूटेशन. ठीक है, तो इन तीनों ने ही जो जो बातें कही वो बिल्कुल सही थी, काफ़ी हद तक वो एवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर रही थी. ठीक है, तो ये ग्रुप बिल्कुल सही था. अब आपको यहाँ पर कॉकरोच के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को देखना है और उसके बाद बताना है ये जो ए बी सी और डी पार्ट्स यहाँ पर रिटन है ये पार्ट्स क्या हैं. हो गया क्लियर? चलिए बता देते हैं. द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी विच सेज ए इज क्रॉप, बी इज हेपाटिक सीके, सी इज मालपीजियन ट्यूब्यूल, डी इज रेक्टम. यानी कि ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं क्रॉप, यहाँ पर फूड स्टोर होगा. उसके बाद बी है हमारा हेपाटिक सीके. ठीक है, ये वाला पोर्शन. उसके बाद सी, ये जो आपको ये जो फिलामेंट्स जैसे दिख रहे हैं ये जनरली में क्या है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं. ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है रेक्टम जो कि ये वाला पोर्शन है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. हम कॉकरोच के बारे में बात कर रहे हैं. नेक्स्ट है मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम नंबर सेकेंड. आपको कॉलम नंबर फर्स्ट को कॉलम नंबर सेकेंड के साथ मैच करना है और उसके बाद अपनी मैचिंग के अकॉर्डिंग जो सही ऑप्शन है उसको टिक लगाना है. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी विच सेज, मैचिंग करके देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर सी इन्होंने बिल्कुल सही बताया है और सी के अकॉर्डिंग अगर हम मैचिंग करते हैं तो स्ट्रेप्टोकाइनेज गोज विद स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है, एंड स्टेटिन्स गोज विद व्हाट, मोनास्कस परप्यूरिस. देन उसके बाद है साइक्लोस्पोरिन ए, इट गोज विद ट्राइकोडर्मा. एंड लास्ट है हमारा पेनिसिलिन, पेनिसिलिन गोज विद पेनिसिलियम नोटेटम. ठीक है, ये आपकी मैचिंग थी. नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर रेप्टीलिया. रेप्टीलिया के लिए एकदम सही कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर. क्रोकोडाइल के अंदर देयर इज टिम्पेनम जो कि किसको शो करती है, ईयर को. तो रेप्टीलिया क्लास के लिए बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट हम चलते हैं 151st, यानी कि 151 आपका क्वेश्चन है यहाँ पर. वेट अ सेकंड. ठीक है,
151st आपका क्वेश्चन है, इन स्मूथ एंड कार्डियक मसल सेल जंक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय। स्मूथ और कार्डियक मसल के अंदर जो सेल जंक्शन होते हैं, जहाँ पर सेल जंक्शन क्या होता है, जंक्शन एक दो चीज़ों का मीटिंग पॉइंट होता है, जहाँ पर सेल जंक्शन होता है वो किसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, गैप जंक्शन। नाउ गैप जंक्शन क्या होता है, दे आर स्पेशलाइज्ड इंटरसेल्युलर कनेक्शन बिटवीन टू सेल, दो सेल के बीच में जो इंटरसेल्युलर कनेक्शन होता है। इंटरसेल्युलर क्यों बोलते हैं, दो सेल्स के अंदर आपस में ही, इसलिए इंटरसेल्युलर है, ठीक है। नाउ ये डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म को ऑफ टू सेल विच अलाउज वेरियस मॉलिक्यूल आयन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस टू डायरेक्टली पास थ्रू अ रेगुलेटर गेट बिटवीन द सेल, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन स्मूथ एंड कार्डियक मसल। नेक्स्ट हम चलते हैं, विन ब्लास्टिन इज ऑब्टेन फ्रॉम आईवी, एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए, कैथरेंथस रोएसस, ठीक है, कैथरेंथस रोसियस। नाउ विन ब्लास्टिंग क्या है, इट इज अ कीमोथेरेपी मेडिकेशन, ठीक है, जो किसके द्वारा यूज की जाती है, विच इज यूज विद अदर मेडिकेशन टू ट्रीट अ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कैंसर। समझ में आया ये किससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द मेडस्केकर पेरीविंकल, ये सब छोड़ दो, नाम याद रखना कैथरेंथस रोएसस, कैथरेंथस रोएसस, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन हैविंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल पीरियड। नाउ परमियन ट्रायसिक जुरैसिक, इनके अंदर इन जियोलॉजिकल पीरियड्स के अंदर कितने टाइम टाइम तक ये सीक्वेंसेस आपको बतानी है, कितने टाइम टाइम तक ये पीरियड्स रहे थे। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिस इज गोज विद वन जियोलॉजिकल पीरियड, सेकेंड और ये थर्ड जियोलॉजिकल पीरियड, ठीक है, तो ये करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट है, एक और बताना था कि एक तरीके से ये है कि कौन सा पहले था, कौन सा सेकेंड नंबर पे था, कौन सा थर्ड पे था, ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इन स्ट्रक्चर्स को आपको पहचानना है कि किस किस के स्ट्रक्चर हैं, और सही वाला करेक्ट मैचिंग जो की हुई है वो वाला ऑप्शन आपको टिक लगाना है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, विच सेज, ये जो पहला वाला आपका जो डायग्राम है इट शोज यूरेसिल, सेकंड है आपका ग्लूकोस, थर्ड है आपका राइबोस और फोर्थ है आपका एडेनिन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट वन, यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, बॉटल जूसेस आर क्लियर्ड बाय प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। बियर, वाइन, सेक या साइडर, ये सभी एक ऐसी फर्मेंटेड ड्रिंक्स होती हैं जो कि जनरली फर्मेंटेड होती हैं, फर्मेंटेशन से बनाई जाती हैं, ना कि डिस्टिल्ड से। सो जो विस्की, रम और ब्रांडी, ये सब किस वजह से बनाई जाती हैं, ये सब डिस्टिलेशन की उससे बनाई जाती हैं। नाउ मिथेनोजेंस जो कि डाइजेस्ट हो जाते हैं सेल्युलोज के अंदर, किस तरीके से, एरोबिकली और अनएरोबिकली, करेक्ट, एनारोबिकली, ठीक है। सो एज अ मेडिकेशन स्ट्रेप्टोकाइनेज इज यूज टू ब्रेक डाउन क्लॉट्स इन सम केसेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड पल्मोनरी एम्बोलिसम एंड आर्ट्रियल, ठीक है, थ्रोम्बो एम्बोलिसम, बिल्कुल दिमाग के ऊपर से गया, छोड़ो। ये याद रखना कि जो बॉटल जूसेज हैं उनको किससे क्लियर किया जाता है, प्रोटीएज और पेक्टिनेज के लिए, ठीक है, पेक्टिनेज से। नेक्स्ट है, म्यूसिस सेकेंड इन ओवम डजेंट कम्प्लीट अनटिल, ओवम के अंदर म्यूसिस सेकेंड तब तक कम्प्लीट नहीं होता जब तक ऑप्शन नंबर ए बर्थ ना हो जाए, बी प्यूबर्टी ना हो, सी फर्टिलाइजेशन ना हो, या फिर डी डेवलपिंग फॉलिकल्स ना हो। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो जो मेमेलियन ओसाइट होते हैं वो मियोसिस करना शुरू करते हैं इन फीटल ओवरी एंड कंप्लीट इट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो मियोसिस कब शुरू होती है, जब जो बेबी है, जो चाइल्ड है वो फीटस है उस फॉर्म में, यानी कि मदर के वॉर्म के अंदर है, तब उसका मियोसिस शुरू होता है, और वो कब जाके कंप्लीट होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, यानी कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन विद स्पर्म सेल आफ्टर पासिंग थ्रू टू सेल साइकिल अरेस्ट। पहली होती है वो अरेस्ट हो जाता है एट द स्टेज ऑफ प्रोफेज वन, प्रोफेज वन की स्टेज पर वो रुक जाता है ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ अ गर्ल, और उसके बाद वो कब रीगेन कब होता है प्रोफेज वन से, वो नेक्स्ट स्टेज पर कब आएगा, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब वो मियोसिस वन कंप्लीट कर लेंगे। तो कोई आपसे बोलेगा अगर कि मियोसिस वन कब कंप्लीट होता है, तो वो होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी,
ठीक है। नाउ ओव्यूलेशन जैसे ही कंप्लीट होता है तो ओव्यूलेशन की कंप्लीट होने के बाद जो सेल साइकिल है वो अरेस्ट हो जाएगा एट मेटाफेज सेकेंड विच इज कंप्लीटेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नाउ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज यूज टू डिटेक्ट सेक्स ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। जबकि ऐसा नहीं होता है, जो एमनियोसेंटेसिस है वो एक ऐसा टेस्ट है विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज एंड सेक्स ऑफ द डेवलपिंग ओम्ब्रियो। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो बिल्कुल भी टेक्निक नहीं है जिससे हम किसी भी डेवलपिंग फीटल का या डेवलपिंग एम्ब्रियो का सेक्स पता कर सकते हैं। ओके, तो एमनियोसेंटेसिस वो एक तरीका होता है जिससे हम बेबी की जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज और सेक्स जो है वो पता कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाउ इज एस्कैरियसिस ट्रांसमिटेड। जो एस्कैरियसिस है वो कैसे ट्रांसमिट होती है। ऑप्शन नंबर ए बाय एयर, बी बाय मॉस्किटोज, सी बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, या डी बाय इन्फेक्टेड नीडल्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी, बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। एस्कैरियसिस जो है इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन विथ एस्कैरेट्स। ठीक है, सॉरी अभी एक वीडियो इससे पहले शूट किया है, दैट्स व्हाई आई एम फंबलिंग अ बिट, बट डोंट वरी, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको। सो एस्कैरियसिस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि किसमें होता है, इंटेस्टाइन में। तो लोकेशन पता चल गई पहली बात तो इसकी, और इंटेस्टाइन में किससे होता है, एस्कैरेट्स से। एस्कैरेट्स क्या है, दे आर राउंड वॉर्म विच आर नोन एज एस्कैरिस ल्यूम्ब्रियोकॉइड्स। ठीक है, नाउ वन कैन गेट दिस इन्फेक्शन बाय कंटामिनेटेड फूड वाटर या फिर सॉइल। एक पर्सन को ये कैसे हो सकती है एस्कैरिसिस, उनको अगर वो कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, कंटामिनेटेड वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर कंटामिनेटेड सॉइल वहाँ पर है। ठीक है, नाउ चिल्ड्रन ऑफन बिकम इन्फेक्टेड व्हेन दे पुट देयर हैंड्स इन देयर माउथ्स आफ्टर प्लेइंग इन कंटामिनेटेड सॉइल। ठीक है, अब चिल्ड्रन के अंदर ये डिजीज़ कैसे हो जाती है, जनरली वो क्या करते हैं, वो मिट्टी में खेल के आए हैं चिल्ड्रन। ठीक है, और समझ लो वहाँ पर एस्कैरिस प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर वो वहाँ पर प्रेजेंट है और बच्चों ने उस मिट्टी के अंदर खेला है, और खेलने के बाद वो अपने हाथ ना धोएं और हाथ धोने से पहले ही अपने मुँह के अंदर हाथ ले जाते हैं, उनको इतना नहीं पता होता है, तो उस वजह से भी वो इन्फेक्ट हो सकते हैं विद द डिजीज एस्कैरियसिस। नेक्स्ट है, विच वन इज द रीजन फॉर फास्ट कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इन हार्ट मसल। हार्ट मसल के अंदर इनमें से कौन सी चीज है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फास्ट कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क क्या करती हैं, दे कनेक्ट द इंडिविजुअल हार्ट सेल जिसको हम कार्डियोमायोसाइट्स कहते हैं टू फॉर्म द एट्रियल सैनेटियम। ठीक है, नाउ इनके बीच में कुछ गैप जंक्शन होते हैं और डेस्मोसोम्स होते हैं। ठीक है, गैप जंक्शन क्या करते हैं, दे आर प्रोटीन लाइन टनल जो कि अलाउ करते हैं द डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ द डीपोलराइजिंग करंट फ्रॉम सेल टू सेल, उसके बाद पूरे अक्रॉस द चैम्बर ऑफ द हार्ट सो दैट सेल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, कैरेटिनिन इज फॉर्म्ड बाय, कैरेटिनिन किसके द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यूरिया, बी यूरिक एसिड, सी ब्रेकडाउन ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट इन मसल, या फिर डी किडनी। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन देख के समझ में आ गया होगा, ब्रेकडाउन ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट इन मसल, इसके द्वारा बनता है कैरेटिनिन। ठीक है, कैरेटिनिन इज अ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट इन मसल एंड इज यूजुअली प्रोड्यूस्ड एट अ फेयरली कॉन्स्टेंट रेट बाय द बॉडी। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझ में आया। चलो सो गाइस, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस प्लस लेक्चर वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी आगे हेल्प हो पाए। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।